असलम ये प्यासी यूट्यूब की फैमिली कैसे हैं जी आप सब लोग क्या हाल चाल है आप लोगों की उम्मीद करती है सब लोग ठीक ठाक होंगे फिट फिटफाट होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अलहमद और अभी जो है वो मैं कहवा बना रही थी अपने लिए क्योंकि मैं ना क्लीन ईटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ रमज़ान तक ना क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट मंथ रमज़ान है तो रमज़ान में बंदा बहुत ऑयली चीज़ें खाता है तो इसी वजह से जो है ना मैं थोड़ी मैंने कब जितने भी दिन रह गया ना क्लीन ईटिंग स्टार्ट करते हैं ताकि बॉडी डिटॉक्स भी हो जाए और अगर कोई वेट हमारा बड़ा छड़ा भी है वो भी कम हो जाए जी सुबह का टाइम है नाश्ता करने से पहले मैं नहार मुँह जीरे का पानी पीऊँगी मैंने एक कप पानी लिया तो उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाले से मैं पका लूँगी इतना कि थोड़ी सी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए ज़ीरे का पानी निहार मुँह पीने से ना आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है और आपको बॉडी को डिटॉक्स करने में वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा आपको सूट करता है या नहीं मुझे सूट करता है ज़ीरे का पानी निहार मुँह इसलिए मैं पी लेती तो हूँ अगर आपको नहार मुँह सूट ना करें तो फिर आप रात को सोते हुए पी लीजिए वैसे तो इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है लेकिन फिर भी शायद किसी को सूट ना करे ना और इसे आपने बस गरम गरम जो है ना वो पी लेना इसे पीने के कोई आधे घंटे बाद फिर जो आप नाश्ता करना चाहे वो आप कर सकते हैं लेकिन पराठे सराठे नहीं खा दे हेल्दी खाना है तो मैंने सिर्फ सिक्स टेबल स्पून योग ली थी मैं ना गर्मियों में वो नहीं खाती पराठे सराठे ना मैं दही ही खाती हूँ इसलिए मुझे इसकी आदत है तो मैं बस दही लूँगी और मैं चाय भी नहीं पीती होती गर्मियों में ना बस मुझे आदत मैं नहीं पीती लेकिन बहुत से लोग चाय भी पीते हैं उन्हें नाश्ता भी हैवी चाहिए तो फिर वो एक स्लाइस ब्रेड का ले सकते हैं विद एग के साथ ना या और चाय भी ले सकते हैं लेकिन चीनी बहुत कम डालिएगा वन टीस्पून से ज़्यादा शुगर मत यूज़ करिएगा मैं तो बस ये दही खाऊंगी और दही भी ऑलरेडी मीठी थी तो इसलिए मैंने शुगर नहीं डाली ना जब आप क्लीन ईटिंग कर रहे होते थोड़ी डाइटिंग कर रहे होते हैं ना तो उसमें आपको शुगर नहीं जितना कम हो सके शुगर का उतनी आपको कम लेनी चाहिए और उसके बाद जो मैं आ गई थी किचन में क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है खाना तो पकाना है ना तो आज मैं खाने में पका रही थी कीमा आलू कीमा शिमला मिर्च और साथ में मैं बनाने लगी थी मीठा मेरे अब्बू ना मीठे के शौकीन है मेरे अब्बू को रात को रोज़ खाने के बाद ना मीठा चाहिए सब्बू को रहता है कुछ ना कुछ ना उन्हें रात को रोज मीठा चाहिए और मैं भी उन्हीं में से मैं भी मीठे की बहुत शौकीन हूँ लेकिन जब मैं डाइट कर रही होती ना कंट्रोल कर रही हूँ फिर मैं मीठा नहीं खाती हाँ वीक में फिर भी मैं एक दो दफा खा लेती हूँ मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है आज जो मैं मीठा बना रही हूँ बड़ा बेसिक सा बड़ा कॉमन सा मीठा है आप में से बहुत से लोगों को आता होगा कोई एक हाई फाई वाला मीठा नहीं है लेकिन मेरे अबू का मेरा हमारे घर का सबका फेवरेट है सब बहुत शौक से खाते हैं मैंने लिया था एक लीटर दूध मैं अच्छा जब भी मीठा बनाती हूँ ना हम डब्बे के दूध बनाते हैं जो खुला मिल्क होता है ना उसका मीठा हमसे नहीं खाया जाता वो ना हमें एक आदत होगी हमारे ना डब्बे वाले दूध की तो मैं तो बिल्कुल भी जो खुला दूध का मीठा होता है ना मैं नहीं खा सकती इसलिए हम जो है डब्बे वाला दूध यूज़ करते हैं लेकिन आप लोग खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं एक लीटर जो है मैंने मिल्क लिया था तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था अगर आप खुला दूध यूज़ कर रहे हैं यानी गाय वगैरह का तो फिर आप पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पतला होता है पैक जो मिल्क है ना वो गाढ़ा होता है इससे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और दो दो तीन मैंने इसमें इलायची ऐड की थी और बस डाल के थोड़ी देर आप पका लेंगे इतना कि दूध ना थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दे थोड़ी थिकनेस आ जाए दूध में ये मेरे पास जो है वो रंगीन सवैया ये एक कप जो है मैं रंगीन सवैया इसमें ऐड करूँगी किसी भी ब्रांड की आप कलरफुल सवैयाँ जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसे डाल के मैं मज़ीद इसे पकाऊंगी पाँच छः मिनट इतना कि सवैया जो है ना वो गल जाए पाँच छः मिनट लगते हैं और सवैया है जो है वो गल जाती हैं और हाँ कोई मुझसे पूछा था आप भी आप खाना पका पका के थकती नहीं आप रोज़ खाना बनाती रहती है नहीं यार मैं नहीं थकती हूँ और मैंने करना ही क्या सारे दिन में और तो कुछ करने को होता नहीं है मेरे लिए ना खाना पकाने एक थेरेपी है मुझे ना बड़ा मज़ा आता है खाना पकाने में ना मैं इससे इंजॉय करती हूँ और मेरे पास पूरा दिन में और तो कुछ करने के लिए एक्टिविटी होती नहीं है इसलिए मैं खाना पका के नहीं थकती हूँ बल्कि मैं कुकिंग को बहुत इंजॉय करती हूँ बस हर इंसान की एक अपनी अपनी नेचर होती है हाँ कभी ऐसा होता है मेरा कुछ भी दिल नहीं करता पकाने को तो फिर मैं नहीं पकाती होती अब बस ये देखिए यहाँ पे जो सवैया

कीमा शिमला की रेसिपी शेयर की है मैंने उसी रेसिपी से बनाया था कीमा क्योंकि को बहुत अच्छा लगा था तो अब्बू ने कहा था दोबारा उसी रेसिपी से बनाओ ना कीमा तो फिर मैंने दोबारा बनाया तो इसलिए इसकी रेसिपी शेयर नहीं की अब आप लोग कष्ट फरमाए जाकर वीडियो देखें चार दिन पुरानी उसमें कीमे की रेसिपी मैंने डिटेल में बताई है और जो लोग मेरे ब्लॉग रोज देखते हैं उन्हें तो पता है कि ये, मैंने ये रेसिपी बता चुकी हूँ और यहाँ पे बस पकाते पकाते ना साथ साथ मैं जो है राइस खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी चूहे दौड़ रहे थे मेरे पेट में ना इसलिए और ये देखिए पे हमारा जो मीठा है न, वो तैयार हो गया इसे मैंने थोड़ा लिक्विड ही रखा है क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना फिर ये मज़ीद थिक हो जाएगा उसके बाद जो है आपने चूल्हा बंद कर देना है चूल्हा बंद है और अब आपने इसमें टू से थ्री ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करेंगे बस ज़्यादा नहीं ऐड करना सिर्फ टू से थ्री ड्रॉप्स ऐड करेंगे और अगर आपके पास नहीं है तो मिट कर दें मुझे वनीला एसेंस की खुशबू बहुत पसंद है इसलिए मैं ऐड करती हूँ और ये ये बड़ी ईजी पीजी है वो रेसिपी है अभी जब ये ठंडी होगी ना फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी और बार बार कह रही बहुत मज़े की बनती है जो जो इस रेसिपी से बनाता है ना क्योंकि रेसिपी में खासा सबको ही पता होगी वो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में अच्छी बनती है ना और यहाँ पर मैं ना शाम का टाइम था इस वक्त छः बजे का ना और बस मैं ऐसे बोर हो रही थी फिर मैंने टीवी चला लिया था मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ अलबत मैं जब भी टीवी चलाती हूँ ना उस पर मैं कुकिंग शो ही देखती हूँ मसाला टी वी ऑन कर लेती हूँ जब कभी भी मैं बोर हो रही हूँ ना मैं कुकिंग शो के अलावा कोई चीज़ नहीं देखती होती अगर मैंने ड्रामे देखने हो ना फिर मैं यूट्यूब पर देखती हूँ वरना जो है मैं इसी पर कुकिंग के लिए टीवी ऑन करती हूँ कभी कभार वो भी भाई मैं ऐसे ही बस बैठी हुई थी बोर तो मैंने बस टीवी ऑन कर लिया मैंने कहा चलो ये कुकिंग शो लगा वैसे देख लेते हैं अरे मैंने अम्मी से एक सूट निकलवाया और उस सूट को हमने इतना ढूंढा इतना ढूंढा फिर हमें याद आया कि अम्मी आपने कहीं संदूक में ना रख दिया और तो घंटा लगा के फिर अम्मी ने ये सूट मुझे निकाल के दिया और ये जो सूट है ना मुझे सबा ने भेजा था और इन्होंने मुझे ये वेडिंग गिफ्ट प्री वेडिंग गिफ्ट भेजा था मुझे और मैं आपको पहले भी ये सूट दिखा चुकी हूँ बहुत खूबसूरत जोड़ा इन्होंने मुझे भेजा था मैंने भी इनका थैंक यू कहा था आज फिर कह रही हूँ बहुत शुक्रिया सब इतना खूबसूरत सा जोड़ा भेजने के लिए हमारे रिलेटिव में ना शादी आ रही है तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं ना जो है ये वाला ड्रेस सिलवा लू ये मुकेश के सूट है जो आजकल बड़े चल रहे हैं ना वो वाले बड़े खूबसूरत लगते हैं पहने हुए शादी में तो थोड़े से दिन रह गए हैं सात दिन रह गए और सात दिन के अंदर मेरा टेलर तो बिल्कुल भी सीख नहीं देगा क्योंकि वो तो उस पर रेडी बहुत रश होगा कहेगा मैं नहीं सीखे दूंगा चलो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ सीधे फिलहाल तो मैं मुझे इसके साथ की अटल लेनी है और लेस वगैरह कल बाज़ार जाऊंगी क्योंकि अब तो टाइम नहीं है और कल जुम्मा है कल भी नहीं जाया जाएगा तो जुम्मे को क्योंकि बाज़ार बंद होते हैं अब अम्मी को कहूँगी हफ्ते को जाके ना इसके साथ की लेस वगैरह लेकर आते हैं क्योंकि मैं कभी भी कोई भी सूट ना बगैर पाइपिंग और लेस के कभी भी नहीं पहनती चाहे मेरे घर का भी सूट हो या कोई भी अच्छा ही नहीं लगता यार बगैर पाइपिंग के तो सूट बिल्कुल बेकार लगता है इसके साथ चुनरी का दुबट्टा था इसमें भी मुकेश का काम हुआ हुआ है और ब्लू कलर का ये सूट है और इसका दुबट्टे ही पिक होने को दूंगी अब तो सैटरडे को ही सारा काम होगा क्योंकि फ्राइडे को तो सारी शॉप बंद होती हैं तो आप देखते हैं क्या सीन बनता है लेकिन मेरा बहुत दिलक है कि मैं ना ये वाला ड्रेस सिलवा लूँ क्योंकि ड्रेस सिलवाना तो मुझे वैसे भी है क्योंकि उन्होंने इसीलिए भेजा था कि आपकी शादी होना तो आपने वाला ड्रेस सिलवा कर ज़रूर पहनना है तो मैं अभी सिलवा के पहन लेती हूँ एक दफ़ा बाद में फिर पहन लूँगी अब देखती हूँ इसका क्या सीन बनता है इसके अलावा मैं सोच रही थी इसकी ना मैं लॉन्ग शर्ट और स्ट्रेट पेंट्स बनवाऊँ क्योंकि वही इस पर ज़्यादा अच्छी लगेगी और चुन वाले बाजू ना आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे बताइएगा मेरी लियो आज की देख ली होगी यार आजकल ना कुछ स्पेशल है ही नहीं करने को बस वही घिसी पिटी सी रूटीन चल रही है उठ जाओ खा लो पी लो खाना पका लो हंडी शांडी पका लो और बस सो जाओ कुछ है ही नहीं स्पेशल करने को बड़ी बोर सी जिंदगी चल रही है आजकल ना और इसके अलावा मैं क्या कहने लगी थी हाँ आप लोग कह रहे होंगे मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं कि मैं शादी में क्या क्या खाई यार मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि मैंने रिकॉर्ड करना मैं आपको वैसे बता देती हूँ सुबह मैंने सिर्फ वो जीरे वाला कहवा पिया था उसके बाद जो है मैंने ब्रेकफास्ट में दही खाई थी वो मैंने आपको बताया ही था और दोपहर को मैंने सिर्फ़ एक सेब खाया था और शाम के टाइम जब मैं वो मीठा पका रही थी ना तो आठ चम्मच एट टेबल स्पून मैंने राइस लिए थे बस वही खाया था उसके अलावा मैंने सारा दिन में और कुछ भी नहीं खाया है हाँ मैं शादी में बहुत कम खाया बस यही खाया जब हम थोड़ी सी डाइट कर रहे होते हैं ना पोर्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं तो फिर हमें बहुत कम खाना होता है बस यही खाया था मैंने और इस खबर में क्या कहने लगी थी हाँ कोई मुझसे इस दुबट्टे का पूछ रहा था कि ये आपने कहाँ से लिया था ये मुझे मिल नहीं रहा यार ये मैंने खुद भी दो साल पहले लिया था जब मुझसे पूछ रहा था ना क्रिंकल का ये दुबट्टा ये मैंने कैंट से लिया था चूड़ी बाजार से ना मुझे नहीं पता अब आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा आप कैंट में चेक कर लो अगर आपको मिल रहा है तो ले लो बहुत से लोग पूछते हैं आप ही आप इतने राइस खाती हैं लेकिन आप मोटी तो है नहीं आपको राइस लगते नहीं है यार ये नहीं गलत कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि राइस खाने से इंसान मोटा होता है राइस खाने से इंसान मोटा नहीं होता मोटे आप तब होते जब आप ना एक्सेस में खाते हो आप ओवर ईटिंग करते हो वरना आप कोई भी चीज़ खा लो आप मोटे नहीं होते अगर आप पोर्शन में खाते हैं ना मैं राइस खाती हूँ या रोटी खो मैं बहुत पोर्शन में खाती हूँ इसलिए मैं मोटी नहीं होती रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और राइस में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं बस आप मोटे तब होते हो जब आप ज़्यादा खाते तो ना वरना मैं तो बहुत राइस खाती हूँ आपके सामने मेरे घर में सभी बहुत राइस खाते हैं और हम तो मोटे नहीं है बस ये होता है पोर्शन में खाए तो आप कभी भी मोटे नहीं होते बस यही आज का व्लॉग था उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा प्यारा से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा अपना ख्याल रखिए खुश रहिए जी अल्लाह हाफिज़